कोर्ट ने कहा मासूम कितना चिल्लाई होगी, ऐसी सजा मिले बदमाश 1000 बार सोचे। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद जयपुर जिले में पहली फांसी की सजा दी गई। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी सुरेश बलाई को गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। पूरे मामले में कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे को कांटा भी चुभे तो कितनी पीड़ा होती है, फूल जैसी बालिका किस सीमा तक तड़पी होगी, अभियुक्त को मरते दम तक फांसी पर लटकाया जाए। जज संदीप शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद जयपुर जिले में यह पहली फांसी की सजा दी गई है। टाइम 8 राजस्थान के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। कोर्ट ने कहा मासूम कितना चिल्लाई होगी, ऐसी सजा मिले बदमाश 1000 बार सोचे। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद जयपुर जिले में पहली फांसी की सजा दी गई। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी सुरेश बलाई को गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। पूरे मामले में कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे को कांटा भी चुभे तो कितनी पीड़ा होती है, फूल जैसी बालिका किस सीमा तक तड़पी होगी, अभियुक्त को मरते दम तक फांसी पर लटकाया जाए। जज संदीप शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद जयपुर जिले में यह पहली फांसी की सजा दी गई है। टाइम 8 राजस्थान के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। कोर्ट ने कहा मासूम कितना चिल्लाई होगी, ऐसी सजा मिले बदमाश 1000 बार सोचे। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद जयपुर जिले में पहली फांसी की सजा दी गई। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी सुरेश बलाई को गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। पूरे मामले में कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे को कांटा भी चुभे तो कितनी पीड़ा होती है, फूल जैसी बालिका किस सीमा तक तड़पी होगी, अभियुक्त को मरते दम तक फांसी पर लटकाया जाए। जज संदीप शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद जयपुर जिले में यह पहली फांसी की सजा दी गई है। टाइम 8 राजस्थान के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।